से अपने होता ना सीन को पूरी तरह चुरा लिया आपने, मतलब ब्रिलियंट एक्टिंग सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? ब्रिलियंट नहीं है भैया, पागल कुछ भी कर सकते हैं, तो लिमिट नहीं है, लिमिटलेस होता है तो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं अब से मालूम पड़ता है कि शायद ये पागलपन का आप एक नाटक या मुखट लेकिन नहीं, नाटक नहीं है ये, फैक्ट है। आगे रिवील होगा मैं कैसे पागल हुआ हूँ और क्यों पागल हुआ, बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है। चकोर आपके जान बचाने के लिए कमल नारायण आई, तो सर बहुत क्यूट लग रहे थे सीन में वो मम्मी करते हुए, और हाँ उन्होंने मेरी जान बचाई तो मैं काफ़ी शॉक में थी कि कैसे हो सकता है, जो मुझे मारना चाहते पूरी ज़िंदगी वो आज मुझे बचा रहे, ऐसा कैसे हो गया। उससे ज़्यादा शॉकिंग शायद आपके लिए विवान का एक बिहेवियर, ये भी बड़ा शौक था, जो ज़िंदगी में हमेशा बचाना चाहते थे वो आज मार रहा है, तो ये भी बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। अच्छा ठीक, ये एक तरफ कमल नारायण का बदला सा अंदाज और दूसरी तरफ विवान का भी। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आप लोगों की उड़ान में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ये उन चेंजेस की कुछ झलकियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि आपको पसंद आया वो, एंड आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, हमको खुद शूट करने में बहुत मज़ा आया है, तो लेट्स होप कि अच्छा है। देखो थोड़ा सा अगर आप और रोशन करना चाहें, बहुत धमाकेदार सीन था, तो विवान क्यों इस तरह से आपके ऊपर बंदूक ताने खड़े बैठे? रोशनी डालू थोड़ा सा, सो क्यूट। ओके हाँ, विवान को धोखा दिया है, विवान के अकॉर्डिंग चकोर ने उसे धोखा दिया है, उससे चकोर को ये सच पता था कि उसके पिता को उसकी माँ ने मारा है, तो वो उसकी माँ को तो कन्फ्रंट करता ही है, बट एट द सेम टाइम उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे चकोर पे आता है और सारी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसे भड़काया गया उस तरह से कि ये सब चकोर की वजह से हुआ है, तो वो उसका बदला लेने चकोर को इस तरह से मारने की कोशिश करता है। क्योंकि जब कमल नारायण आपको बचाने के लिए आया तो आप खुद शॉक थी कि एक तरफ भी बहुत शॉक थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे लगा था कि कमल नारायण मार देगा उसे, उसे मौका मिला है, उसको बंदी हुई भी है, बट ऐसा नहीं होता। क्या हुआ निधा? तो किस तरह से अब चकोर इससे डील करेगी, क्योंकि एक तरफ विवान है, एक तरफ कमल नारायण है, प्लस उनकी जो गलत फहमियाँ हैं आपकी तरफ, वो कैसे दूर करेंगे आप? पता नहीं, ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट चेंज है और इसके आगे की स्टोरी अब तक आई नहीं है, तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, स्क्रीन प्ले वगैरह कुछ भी, तो हमें पता नहीं है, बट जैसे पिछले बता देंगे। लास्ट ये सीन बहुत ही अमेजिंग था, इसे निभाने में कितने मज़े आए, कितना एक्साइटिंग था या ज़्यादा डिफिकल्ट था? इसे निभाने में बहुत मज़ा भी आया और साथ में डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पारस के लिए था, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते बट स्ट्रेनस कह सकते, कॉन्स्टेंटली उन्हें वो चिल्लाना और आंखें इतनी डीप इंटेंस करना, ब्लिंक नहीं करना, टर्न पॉइंट करना, ऐसे नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है, तो आई गेस वो थोड़ा सा स्ट्रेनस था उनके लिए, बट सीन अच्छा है, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है चिल्ला चिल्ला के, तो वो एक हो गया। और साई सर भी ये कॉन्स्टेंटली परफॉर्म लाउड परफॉर्म करने के लिए स्वेटिंग और ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो ही जाती है, तो बट सीन अच्छा है, तो फिर सारी मेहनत रंग लाई या रंग लाई। थैंक यू।